हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी डेट है 1 फरवरी, तो यहाँ पर आज हम इसका करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, अल्बानिया की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है। देखिए, पहले अल्बानिया को हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, अल्बानिया जो है ये मेडिटेरियन सी के ऊपर एक देश है, ठीक है, जिसकी जो समुद्री सीमाएं हैं वो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी में जाके लगती हैं, ठीक है। अल्बानिया की राजधानी जो है तिराना है, ठीक है। देखिए, अल्बानिया की अगर बात करें तो इसके ऊपर उत्तर में मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, यानी कि इसके उत्तर पूर्व में जो है कोसोवो है। वहीं इसके अगर हम पूर्व की बात कर लें तो यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में इसके जो है ग्रीस है। और देखिए, इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं, यहाँ पर आपकी समुद्री सीमाएं एक तो इटली से लग रही है इसकी, ठीक है, और दूसरी इसकी एक लग रही है क्रोएशिया से, ठीक है। यानी इसकी दो देशों से समुद्री सीमाएं भी लग रही हैं, इटली से लग रही है और क्रोएशिया से लग रही है। बाद बाकी कितने कंट्रीज से टच है ये, 1 2 3 4, यानी ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो और मॉन्टेनेग्रो, इनसे ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आंसर आएगा आपका पहला वाला, यानी कि मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो जिसे बोलते हैं, मैसेडोनिया और ग्रीस। इसके अलावा दो और देश हैं इसकी समुद्री सीमाएं लग रही हैं, समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों में आपके इटली है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, क्रोएशिया है, जो मैंने आपको भी बताया था, मैं आपने दिखाया था। इसके अलावा क्रोएशिया है जिसके साथ समुद्री सीमाएं साझा हो रही हैं, ठीक है, और इसके साथ जो समुद्री सीमाएं और इसकी जो है वो एडियाटिक सी की सीमाएं लग रही हैं और आयोनियन सी की लग रही हैं, तो आपने मैप में देख लिया है। दूसरी बात करते हैं, सेकेंड प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। सेकेंड, इस योजना में किशोर ऋण के तहत 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये 2015 यानी अप्रैल 2015 में स्टार्ट की गई थी, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात ये है, ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें तीन प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है, यानी कि यहाँ पर तीन टाइप के ऋण जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो तीन टाइप के ऋण में एक तो आपका रखा गया है शिशु करके एक ऋण रखा गया है। शिशु ऋण की जो सीमा है, यानी इसमें आता है 50,000 रुपये तक का ऋण, यानी आप इसके तहत जो है 50,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इसके बाद आता है किशोर, शिशु के बाद जो यहाँ पर बात की गई है, इसके बाद आता है किशोर, किशोर में आप क्या कर सकते हैं, किशोर के तहत आप जो है 50,001, यानी 50,000 तक का तो किसमें आ गया, 50,000 तक का तो आपका आ गया शिशु में, अब 50,001 से लेकर यहाँ पर जो है 5,00,000 तक का रुपये का जो ऋण है वो किशोर के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो आता है किशोर के बाद वो आता है तरुण, ठीक है। तरुण में क्या होता है, तरुण में यहाँ पर जो 5,01,000 यानी 5,01,000 रुपये लिख दे रहा हूँ मैं, 1 रुपीज, ठीक है, तो इससे लेकर आप यहाँ पर 10,00,000 रुपये तक की राशि इसमें तरुण में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहाँ आंसर है आपका डी, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की गई है, इसमें अक्सर करके इसके तीनों टाइप पर चर्चा कर ली जाती है कि किस टाइप में कितने तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। शिशु में 50,000 तक के का है, किशोर में 50,000 रुपये से ऊपर, ठीक है, 50,001 से लेकर 5,00,000 तक का है, तरुण में जो है 5,01,000 रुपये से लेकर 10,00,000 तक का है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डी, यानी कोई भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है आज आपका, कार्टोसेट 3 के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह उपग्रह कार्टोसेट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है। सेकंड, यह विश्व की सर्वाधिक क्षमता वाला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। थर्ड है, इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-40 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कार्टोसेट 3 जो है कार्टोसेट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है, और कार्टोसेट श्रृंखला का जो पहला उपग्रह था, यानी फर्स्ट लॉन्च जिसकी हुई थी वो 2005 में हुई थी, यानी कार्टोसेट श्रृंखला की फर्स्ट लॉन्च जो हुई थी वो 2005 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, कार्टोसेट 3 जो अभी वर्तमान में है वो 9वां उपग्रह है। और देखिए, ये उपग्रह जो है वो रिमोट सेंसिंग के मामले में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसे जो है शार्पेस्ट आई की संज्ञा दी गई है, यानी कि इसे हमने एक नाम दिया है शार्पेस्ट आई। शार्पेस्ट का मतलब हो गया सबसे तेज आंख रखने वाला, ठीक है, निगाह रखने वाला, सबसे ज्यादा तेज निगाह रखने वाला, शार्पेस्ट आई की यहाँ पे संज्ञा दी है इसे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन भी यहाँ पे सही है। थर्ड है, देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि इसे जो है PSLV C-40, ध्यान रखना, C-40 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। देखिए, थर्ड वाला कथन गलत है, इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47
यानी कि रॉकेट का नंबर है C-47 और PSLV रॉकेट है, ना कि GSLV रॉकेट। देखिए रॉकेट दो तरह के होते हैं, एक PSLV वाला होता है और दूसरा होता है GSLV। देखिए PSLV की क्षमता जो होती है वेट लिफ्ट करने की कम होती है, वहीं GSLV की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा कमेंट में एक बात बताएंगे, GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? PSLV की तो मैंने बता दिया, अब GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, तो ये जो रॉकेट है ये कॉटोसेट 3 जो है कॉटोसेट श्रृंखला का नवा उपग्रह जो है, ये PSLV C-47 की सहायता से ये रॉकेट लॉन्च किया गया। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल एक और दो। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना है आपका कौन सा कथन आपका सही है। पहला है बोडो असम की सबसे बड़ी जनजाति है। सेकंड, यह भारतीय संविधान की 6 अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध एक महत्वपूर्ण जनजाति है। थर्ड है असम के 4 जिले कोकराझार, बक्सा, उदलगुरी और चिरांग बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला का गठन करते हैं। देखिए बोडो जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, यानी बोडो असम की जो है उत्तरी इस जिले में, यानी उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। और यह जो है वहाँ की जो राज्य है, वहाँ के राज्य की कुल आबादी का 5-6% है, वहाँ की यानी टोटल पॉपुलेशन का 5-6% है। और बोडो जिन्हें असमिया समुदाय के लोग जो हैं पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं और भारतीय संविधान की 6 अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन भी सही है, दूसरा वाला कथन भी सही है। देखिए असम के 4 जिले हैं यहाँ पर, जैसे कोकराझार है, बक्सा है, उदलगुरी है, चिरांग है। ठीक है, तो ये बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला का गठन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। अच्छा एक बात आपको अब यहाँ बतानी है, यहाँ पर आंसर होगा डी। अच्छा असम का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था? मैंने इतिहास पढ़ाया था, मुझे अचानक से याद आ गया, वो मैंने आपको नाम पढ़ाया है, लिखवाया है, दो नाम बताए थे मैंने। ठीक है, दोनों नामों का आपको वर्णन करना है, कौन कौन से इसके नाम थे, असम के प्राचीन नाम कौन कौन से थे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की आपकी, सौर स्पिक्यूल्स के संदर्भ में यहां बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इनकी वजह से सूर्य के वायुमंडल का तापमान इसकी सतह से अधिक होता है। सेकंड, यह प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होता है सौर स्पिक्यूल्स। थर्ड है यह सूर्य की तरह गीजर, यानी गीजर जैसी संरचना वाले जेट है। देखिए सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का इसकी सतह से अधिक गर्म होने का मुख्य कारण जो होता है वो सौर स्पिक्यूल्स की वजह से होता है, सूर्य का ऊपरी वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। देखिए स्पिक्यूल्स का निर्माण जो होता है वो धन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इनके मिलने से प्लाज्मा से इनके मिलने से जो प्लाज्मा बनता है, इनके मिलने से प्लाज्मा बनता है, धन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के मिलने से प्लाज्मा बनता है, इससे इसका निर्माण होता है और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इनके तापमान में फिर वृद्धि होती चली जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जहां पर धन और ऋण इलेक्ट्रॉन मिलते हैं दोनों, ठीक है, वहां पर जो आपका जो है प्लाज्मा का एक निर्माण होता है प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि आप पदार्थ की एक पांचवीं अवस्था, चौथी अवस्था बोली जाती है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा सॉरी चौथी नहीं पांचवीं अवस्था बोली जाती है प्लाज्मा जो है। ठीक है, तो यहां पर इसका निर्माण होता है सॉरी स्पिक्यूल्स का इसके तहत, और जैसे जैसे इसका ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ भारी सतह बढ़ते जाते हैं, इसका तापमान में वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है यह सूर्य की सतह पर गेजर जैसी संरचना वाले जेट हैं। देखिए ये जो है सूर्य की सतह पर गेजर जैसी संरचना वाले जेट हैं जो कि कोरोना और फोटोस्पियर के मिलने से उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए अभी तक क्या था कि थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको यहाँ पर रूरल एकेडमी पर जो भी हमने लगभग 1 से 1.5 महीने का हमारा जो गैप हो गया है उसे हम जल्दी से जल्दी कवर करें। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी से संबंधित जो एमसीक्यू होते हैं वो मैं करंट का एकदम एग्जैक्ट करंट का नहीं चला सकता हूँ, थोड़ा बहुत पीछे का लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं, तो काफ़ी सारे पेपर्स के अलग अलग स्रोत निकाले जाते हैं, काफ़ी सारे पेपर्स से अलग अलग आंकड़े लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड जो करंट होता है वो हाल के हालम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर तो हाल के हाल दे सकते हैं, यानी वन लाइनर तो ये है भाई आज का अखबार हुआ शाम तक उसका करंट तैयार हो गया, लेकिन यूपीएससी के मामले में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी के चूंकि यहाँ पर प्रश्न जो है डीपली डेप्थ में होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए जरूरी है
आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उनका एनालिसिस देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये थोड़ा पीछे बैक में मिलेगा। दूसरी बात यह है कि लगभग 20 दिन से अभी आपको वीडियो ये नहीं मिल रहे थे करंट अफेयर्स वाले, तो वो कंटेंट भी हमारा इकट्ठा हो गया है, लगभग 10-15 दिन का और है। लगभग ऐसे करके एक महीना पीछे आप चल रहे हैं करंट से यहाँ पर, यानी एक महीना आज का जो करंट है उससे आप लगभग एक महीने पीछे चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मेरी कोशिश यही रहेगी आपको निरंतर ये करंट का वीडियो भी आपको डेली मिले, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।